जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। अगर आज आपका ये प्रथम आगमन है तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और जिनको आला उदल में रुचि है प्लीज वही लोग वीडियो में आगे बढ़ें। अगर आपको रुचि नहीं है तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है, क्योंकि ये वीडियो आला उदल से संबंधित है। और अगर आप हमारी मदद करने के लिए या अपनी रुचि के लिए रहना चाहते हैं तो प्लीज बिना स्किप के आप लास्ट तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से साधुवाद है। बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। जब इंदल के द्वारा मछला को सारे समाचार विदित होते हैं तब वो जाती है शंकरगढ़ में, और वहाँ वेश बदल कर राजकुमारी कमला से बात करती है। और जब वो विश्वास में ले लेती है कमला को, तब बताती है कि मैं ही मछला हूँ और तुम तो केवल ये बताओ कि मेरे यहाँ के सैनिक और सेनानायक सब किधर हैं। तब कमला के द्वारा सारी स्थिति बताई जाती है। देखता है कि ये लोग पूरी तैयारी में हैं युद्ध के लिए। तब वो चुपचाप पहुंचता है शंकर सिंह के पास, और शंकर सिंह से कहता है कि बनाफड़ों का मंसूबा बड़ा खतरनाक है और तुम अकेले लड़कर न जीतोगे। तब शंकर सिंह कहता है, कहाँ आपकी मति मारी गई है, मुझसे कोई लड़कर जीत जाए ऐसा असंभव है। क्या तुम मेरे बल को नहीं जानते हो? तब मायल कहता है, ठीक है, हमने अपने मन की कह ली और तुमने अपने मन की कह दी। अब कोई सार नहीं है और बुरा सा मुंह बना करके जाने लगता है। तब राजा शंकर सिंह कहता है, ठीक है, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। तब माहिल कहता है कि आप बावनगढ़ में अपने पत्र भेज दें कि हमारे ऊपर बनाफड़ों ने आक्रमण किया है और इन पुलहेटों के यहाँ अगर मेरी बेटी चली जाएगी तो सबका नाम खराब होगा। और ये बात शंकर सिंह की समझ में आ जाती है। वो रातों रात पत्र लिखकर भेजता है। सारे राजा बहुत शीघ्रता पूर्वक उसके यहाँ आते हैं। इस प्रकार से लगभग दो दल हो जाते हैं सारे राजाओं के, और बड़ा विकट युद्ध होने वाला है। इधर महोबा की सेना की जब तैयारियां पूरी हो जाती हैं तब वो मारू बम बजवाते हैं, और जैसे ही वो जूझ का बाजा बजता है तो उधर से शंकर सिंह भी अपनी सेना और बावनगढ़ के राजाओं का साथ पा करके आता है। और इधर से भी काफी राजा उनकी सेना है। तो वहां पर एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। अपनी अपनी बरनी के मोर्चे संभाल लेते हैं। हेर सिंह राजा मलखान से युद्ध करने लगते हैं। धीरा का मोर्चा आधा से लग जाता है, यानी जो जिस बरनी का था अपने अपने समकक्ष योद्धा को पकड़ लेते हैं। युद्ध होने लगता है और इंदल जा पहुंचता है शंकर सिंह के सामने। शंकर सिंह कहता है कि तू मेरे सामने से हट जा, क्यों मुझको पाप का भागीदार बनाने के लिए आया है, और ये बनाफरों का घटियापन है जो इस लौंडे को भेज दिया मुझसे युद्ध करने के लिए। मैं तेरी बाल हत्या करके अपने आप को अपयश का भागीदार नहीं बनाना चाहता।
तब इंद्र कहता है, अरे पहले लड़के से लड़का जीत लेना, तब पुरखों को बुलाना और संभल कर बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दहशत में ही हाथी से नीचे गिर जाओ। और जब ऐसी बातें करता है इंद्र, तो स्वयमेव क्रोध आना था और राजा शंकर सिंह गुर्ज का वार करता है, जिसे घोड़ा की बुद्धिमानी के द्वारा बचा लिया जाता है, यानी घोड़ा पीछे हट जाता है। और इस प्रकार से राजा शंकर सिंह तलवार और भाला तीर सब कुछ चढ़ा कर देखता है, लेकिन इंद्र का बाल भी बांका नहीं होता। तब जब इंद्र का क्रम आता है, तो इंद्र झपट कर उसके पास पहुंचता है और उसके हाथी की जो हौदे बांधे गए थे उनके रस्से काट देता है और रस्सा पकड़कर एक ही साथ में धर के खींच देता है। तो राजा शंकर सिंह नीचे आ गिरता है और जब ऐसी स्थिति देखता है तो वो अपने वीरों को याद करता है, और वीर आते हैं तो वो अपने जादू का संचालन करने लगते हैं। मछला समझ जाती है कि अब ये जादू की मार हो रही है, तो वो अपने वीर और साथ में फुलवा के सात वीरों को मिलाकर भेजती है, यानी 12-7 19 वीर हो जाते हैं। और उधर राजा के पास केवल 5 वीर थे, तो वो 5 वीर बंदी बना लिए जाते हैं फुलवा मछला के वीरों से। इस प्रकार से राजा के वीरों का बस नहीं चलता है। फिर मछला कहती है, बेटा मैं शंकर सिंह को अपने जादू से भैंसा बनाए देती हूँ, तब तुम इसका मस्तक काट लेना। तब इंद्र कहता है, नहीं माँ, ये वीरोचित कर्म नहीं है और ऐसा करना हमें शोभा नहीं देता है। तब मछला कहती है, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, और इसकी मुस्कें बांध लो। और इतना कहकर वो वापस पलट जाती है। इधर जैसे ही इंद्र उसकी मुस्कें कारण कसने का विचार बनाता है, लेकिन इतना समय शंकर सिंह को पर्याप्त था। उसने अपनी ढाल का एक बहुत तीव्र प्रहार किया, जिससे इंद्र गिर जाता है और राजा झपट कर उसकी मुस्कें बांध लेता है। और पूरे दिन के युद्ध के पश्चात डंका बजाते हुए जाते समय कहता है, मैंने इंद्र को बंदी बना लिया है और जो भी राजा सूरमा हो अपने आप को बहादुर समझे वो इंद्र की कैद छोड़वा ले। और जब ऐसी स्थिति आती है, आल्हा को ज्ञात होता है, तब आल्हा बहुत बड़ा दुख मनाते हैं कि मेरे एक पुत्र था जो उदल तूने खपा दिया। तब उदल भी बहुत अधिक दुखी है और भाई के व्यंग वचनों को सुनकर वो कुछ कह नहीं पा रहा और उस जगह को छोड़कर वो इंद्र की याद में इंद्र के तंगों में पहुंचता है, तो क्या देखता है, वहां पर 2 वीर बहुत करुणा के साथ रोरन कर रहे हैं। और रोते रोते वो भी जब वहां पहुंचता है तो कहता है, भाई तुम लोग कौन हो और क्यों इंद्र के लिए इतना अधिक रो रहे हो? तब मछला कहती है कि हमारे मालिक थे इंद्र, हमें रुपया रोज पर उन्होंने नौकरी पर रखा था और आज वो बंदी बन गए, जबकि हमने उनके सारे खतरे समाप्त कर रखे थे, पर वो धोखे धोखे में शंकर सिंह उन्हें बंदी बना ले गया। और जब मछला इतना बोलती है तो उदल उसकी आवाज को पहचान लेता है, भले ही वो भरसक प्रयास कर रही है कि उदल उसे पहचान नहीं पाए। तब वो कहता है,
कि भाभी क्यों तुम मेरे प्राण निकाल रही हो, और मैं समझ गया तुम इंदल की माता हो और ये नरवर वाली है, और तुम दोनों अगर हो तो निश्चित ही तुम्हारे पास में कोई सुझाव होगा और हमें किसी भी प्रकार से इस आपदा से निकालो, नहीं तो दादा मेरी खैर नहीं रहने देंगे। तब रानी मछला कहती है कि अब आप एक काम करें कि अपनी सेना को अभी के अभी 12 कोस पीछे ले जाएं और अपने कुछ जुझारू सैनिकों को दुर्गा माता के मंदिर में छिपा दें। उदल ऐसा ही करता है और इधर मछला और फुलवा उसी मर्दाने वेश में फिर शंकरगढ़ में जाती हैं और कमला से कहती हैं कि हमने तो बहुत प्रयास किया लेकिन तुम्हारे पिता के द्वारा हमारे पुत्र को बंदी बना लिया गया। कमला भी बहुत अधिक दुखी है। तब वो कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पिता से जीतना बड़ा कठिन है। तब मछला कहती है अभी भी विजय कोई दूर नहीं है, अगर तुम अपने पिता को इतना विश्वास दिला सको कि ये सेना जो धूरे पर आई थी वो लौट गई है, और मैंने माता से प्रार्थना की थी कि अगर मेरे बाबुल विजयी हो जाएंगे तो मैं एक मनुष्य की बलि दूंगी, तो निश्चित ही राजा तुम्हारे कहने के अनुसार बलि का प्रबंध करेगा और उसके बाद मेरा काम है इंदल को बचाना। इतना सुनकर बेटी तत्काल उसकी बात को मान लेती है, और इधर मछला अपने तमुओं में वापस आ जाती है अपने वीरों के साथ में उस दुर्गा मंदिर पर जाकर छिप जाती है, और वहां बेटी कहती है देखिए बाबुल आज के ही युद्ध में सारी सेनाएं भाग गईं, और आप भी बावनगढ़ के इन राजाओं को विदा करिए क्योंकि जंग तो आप जीत ही चुके हैं। तब ऐसा सुनकर राजा शंकर सिंह उस जाकर के सतखंडा से देखता है, वहां पर कोई सेना नहीं दिखाई देती, तो उसे अपनी बेटी की बात पर विश्वास हो जाता है। तब वो कहता है बेटा मैं भी तुझे बलि के लिए एक अद्भुत मानव दे रहा हूं, बहुत बलवान है। तब वो इंदल को अपने साथ में लेकर के चलता है और पहुंच जाता है उस देवी मंदिर में। वहां पर मछला पहले ही छिपी हुई थी अपने साथ में अपने महोबा के कुछ खास वीरों के साथ, और जैसे ही राजा जाकर के वहां हवन पूजन के पश्चात इंदल की बलि देने के लिए तलवार उठाता है, तब मछला अपने वीरों को छोड़ देती है। राजा का शरीर थरथर कांपने लगता है और वो धीरे धीरे एक भैंसे में परिवर्तित हो जाता है। तब उदल जाकर उस भैंसे का सर काट देता है, और ऐसी स्थिति को देखकर भयंकर सिंह उससे माफी मांग लेता है और कहता है हमारे पिता की जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है, आप हमें माफ कर दें, हम अवश्य आपकी दी बहन का डोला आपको देने के लिए तत्पर हैं। और वहीं पर तत्काल विवाह की रीति होती है, और इस प्रकार से रानी मछला की सूझबूझ और पराक्रम से शंकरगढ़ का युद्ध जीतते हैं बनाफर। तो मित्रों कैसा लगा आपको ये प्रसंग, जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के माध्यम से। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा अवगत कराएं। यहां तक साथ में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।